दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कुछ न्यू अपडेट के बारे में जो कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेकर आए हैं। अब दोस्तों आप सोचोगे कि यार क्या अपडेट है, तो अपडेट है दोस्तों उनकी 4G नेटवर्क अवेलेबिलिटी को लेकर, कितना वो अवेलेबल है यहाँ पर पूरे इंडिया में, और अगर बात की जाए कैसा उनका 4G नेटवर्क है, कितनी वो अपनी यहाँ पर एवरेज स्पीड दे रहे हैं 4G की, तो इन सब बारे में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। ये जो रिजल्ट है ये ओकला बेस्ड है, मतलब ओकला के द्वारा यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया गया Q3, Q4 का 2018 का। तो क्या है पूरा अपडेट जाने की वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, तो मैं पहले बता दूं कि कुछ अपडेट जो है वो है यहाँ पर, पहला जो बता रहा हूँ वो नेटवर्क अवेलेबिलिटी को लेकर आ रहा है, मतलब जो जनवर नेटवर्क यहाँ पर कितना अवेलेबल है। तो वहाँ पर रिलायंस जियो सबसे आगे निकल के आता है जिसमें कि 99.3% यहाँ पर अवेलेबल है नेटवर्क। एयरटेल का 99.1% है, वोडाफोन 99.0% है, और वहीं आइडिया 98.9% निकल के आता है। और अगर बात करते हैं 4G अवेलेबिलिटी की, मतलब 4G नेटवर्क कितना यहाँ पर अवेलेबल है, वो तो जनरल अवेलेबिलिटी थी, लेकिन अब अगर 4G की बात की जाए LTE, तो यहाँ पर जियो टॉप कर रहा है 98.8% के साथ में, एयरटेल 90.0% के साथ में, वोडाफोन 84.6% के साथ में यहाँ पर प्लेसेस में अवेलेबल है। वही अगर बात करते हैं आइडिया के, तो 82.8% यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर ओकला की जो स्पीड निकल के आई है 4G स्पीड एवरेज अगर बात करें, तो एयरटेल यहाँ पर सबसे नंबर वन रहा है 11.23 MBPS के साथ में, वोडाफोन यहाँ पर 19.13 MBPS के साथ में, जियो का आपको मिल जाता है 7.11 MBPS के साथ में, वहीं अगर आपकी बात करें आइडिया तो लास्ट में है 7.02 MBPS के साथ में। तो कुछ दोस्तों ये डाटा था और मैंने बहुत जल्दी आप लोग को बता दिया, अगर कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख लीजिएगा, और अगर आपको ना समझ में आया हो वैसे यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो परसेंटेज को देखकर कि कौन सा यहाँ पर नेटवर्क बेस्ट है। अगर बात करते हैं यहाँ पर जनरल अवेलेबिलिटी की, और अगर बात करते हैं 4G नेटवर्क की, तो जियो नंबर वन है, लेकिन अगर बात करते हैं वहीं 4G स्पीड की अगर बात करें तो एयरटेल सबसे आगे निकल के आता है। लेकिन दोस्तों ये हमेशा ओकला ट्राई जब यहाँ पर रिजल्ट निकालते हैं तो जियो नंबर वन रहता है, और ये जो ओकला का यहाँ ओकला की तरफ से यहाँ पर जो रिजल्ट आया उसमें एयरटेल ही नंबर वन रहता है। अब ये ऐसा कैसा है आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क सबसे बेस्ट है। अभी तक मेरा ओपिनियन मानिए तो जियो सबसे बेस्ट निकल के आता है। कुछ ही चुनिंदा एरिया ऐसे होंगे जिसमें जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं है, लेकिन अगर बात करें सभी प्लेसेस की तो जियो नंबर वन बेस्ट निकल के आता है। जियो में काफ़ी अच्छे प्लान देता है, जियो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर हमको प्रोवाइड करता है, जो कि एयरटेल वोडाफोन आइडिया की तरह मिनिमम यहाँ पर रिचार्ज पॉलिसी जैसा कुछ यहाँ पर लेकर नहीं आता है। दोस्तों अगर आज वीडियो आप लोग को पसंद आई हो इसे प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर नहीं भी पसंद आई हो तो एटलीस्ट यार कुछ ना कुछ करके अच्छे कमेंट कर देना, ताकि मैं मोटिवेट हो चुकूँ जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो काफ़ी बेटर हो, काफ़ी इंप्रूव हो। तो बस दोस्तों अगर आज वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।